नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे लाल के बारे में जिसने डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत के नाम किया है। बिहार के रहने वाले ऋतिक आनंद ने देश के साथ साथ प्रदेश का अभिमान बढ़ाया है। 18 साल की उम्र में ऋतिक ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ऋतिक आनंद को 15 लाख रुपए प्रदान कर उन्हें सम्मानित करेंगे। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ से भी बुलावा आया है। आपको बता दें कि ऋतिक बिहार के हाजीपुर के रहने वाले हैं। वे डेफ ओलंपिक के इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। ब्राज़ील में आयोजित 24वें डेफ ओलंपिक 2022 में उन्होंने भाग लिया और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में ऋतिक ने ब्राज़ील, चीन, टर्की, फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बनाई, जहां पे ऋतिक ने जापान को हराकर यह गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि पूरे देश के 8 बच्चे बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ब्राज़ील पहुंचे थे, जिसमें बिहार से ऋतिक अकेले थे। इधर देश के प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को न्योता दिया है, जिसमें उन्होंने अपने यहाँ डिनर पर बुलाया है। आपको बता दें कि इससे पहले ऋतिक ने यूथ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। बैडमिंटन के दो इवेंट मिक्स डबल और वाइज डबल में उन्होंने सिल्वर हासिल किया था। बता दें कि ऋतिक ने राज्य स्तरीय कई प्रतियोगिताओं में मेडल उनके नाम दर्ज है। दैनिक भास्कर से बात करते हुए ऋतिक के पिता उदय कुमार और उनकी मां अंजलि सिंह ने बताया कि उनका बेटा इन दिनों दिल्ली के सनराइज सटलर्स में बैडमिंटन की कोचिंग इंडोनेशिया के कोच से ले रहा है। उन्होंने बिहार में बैडमिंटन की स्थिति को लेकर बोलते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर में बैडमिंटन खेलने की सुविधा है, पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसी कारण अपने बच्चों को खेलने के लिए दिल्ली भेज दिए। इस दौरान बोलते हुए उदय कुमार ने बताया कि ऋतिक पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए वह अपने आप को बहुत कम्फर्ट नहीं महसूस करता था। उन्होंने यह भी बताया कि जब वह सुबह सुबह बैडमिंटन खेलने जाते थे ताकि उनका तबीयत ठीक रहे, वहाँ पर रेलवे के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने अपने बेटे को, यानी उनके बेटे जो ऋतिक हैं, उनको बैडमिंटन खेलना सिखाया। इसके बाद दिल्ली के गोपीचंद इंस्टीट्यूट में ऋतिक का बैडमिंटन में एडमिशन हुआ, यानी कि बैडमिंटन कोचिंग में उनका जो है एडमिशन करवाया गया। वहाँ पर गोपीचंद की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद उन्हें सनराइज सटलर्स में ऋतिक का नामांकन करवा दिया गया। वे बताते हैं कि ऋतिक को खेलने के प्रतिमाह, यानी कि ऋतिक का जो खेलने का जो खर्च है वो प्रति महीने 30,000 रुपये आता है। आपको बता दें कि विश्व में तीन तरह के ओलंपिक का आयोजन होता है। एक तो समान ओलंपिक होता है, दूसरा होता है पैरा ओलंपिक, जिसमें कि दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसके बाद एक तीसरा ओलंपिक भी है जिसका नाम है डेफ ओलंपिक। इस ओलंपिक में एक तरह से कह लें कि नहीं सुनने वाले और ना ही बोलने वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। बता दें कि ऋतिक ने इसी डेफ ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जिससे कि भारत के साथ साथ बिहार के वैशाली का नाम उन्होंने सम्मान के साथ ऊपर किया है, बढ़ाया है, और एक बार फिर से तिरंगा जो है वह सबसे ऊपर पहरता हुआ दिखा डेफ ओलंपिक में। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।